कुछ दिन पहले ही कुमार गौरव के जो समर्थक थे उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि अमरनाथ गामी हायाघाट में कुछ भी काम नहीं किए हैं, बहुत सारा ऐसा सड़क है जो बाकी रह गया है, क्या लग रहा है आपको? और मेरे विधानसभा में एक भी महत्वपूर्ण सड़क नहीं बचा है, जो नहीं बना है या नहीं बन रहा है। जिस संदर्भित सड़क का बात हुआ उस सारे सड़क का टेंडर हो गया। कुमार गौरव जी ही अखबार के माध्यम से हमें धन्यवाद दिए थे कि उन लोगों के कारण ही हम उस सड़क के लिए प्रयास किए। उजैना केरवाकोट जिसमें बलीगांव बघौल अठहर केरवाकोट सड़क आता है, उजैना शिवराम बच्छी कुशियाम शिवराम सड़क आता है, मौली चकला मौली अठी गेवाल बलाट चकला सड़क आता है, इन सारे गांव का समस्या का समाधान हो गया और कभी भी काम शुरू हो जाएगा। तो इस बात के लिए अगर कह रहा कि काम नहीं हुआ है, जब काम हो जाएगा तो जनता तो फिर दूसरे दल को देखेगा भी नहीं, वही अगर उनका मुद्दा है। अब देख ली सी सौ जबकि हम से शंकर लोहार जब काम शुरू हो जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले तो दूसरे दल को जनता इसका मतलब वोट ही नहीं देगा। आप समझ सकते हैं वो कह रहे थे ये सब काम नहीं हुआ इसलिए उनको वोट नहीं मिलना चाहिए, जब वो काम हो जाएगा तो दूसरे को वोट नहीं मिलना चाहिए। सर हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में अपना स्थान बनाना क्या ये तो तरीका है वो सही है? आपका विरोध करना कि सड़क नहीं है ये नहीं है तो क्या अपना स्थान बनाना चाह रहे हैं? का काम है विरोध करना, अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो हमें इतना चुस्ती फुर्ती नहीं होगा, काम करने का ललक नहीं होगा। उनके विरोध के कारण ही हम अपना काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, इसलिए विरोधी का सतर्कता सावधानी आलोचनात्मक रवैया जारी रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा काम मजबूती से नहीं हो पाएगा, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह जनता को उकसाते रहा कि भाई सड़क नहीं बना है वोट नहीं होना है, जब सड़क बन जाएगा तो दूसरे को वोट नहीं होना है, ये तो धन्यवाद के पात्र है ना वो लोग। अगर आरजेडी उनको टिकट देती तो क्या चुनौती रहेगी आपको? निश्चित रूप से जितने भी दल हैं गठबंधन है सारे दल अपना अपना उम्मीदवार देते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति एक दल चुनाव जीतता है तो निश्चित रूप से हम अपने काम के आधार पर उपस्थिति के आधार पर और बिना भेदभाव वाला विकास के आधार पर बिना राजनीति को दूषित किए हुए जनता की सेवा देने के आधार पर हम जनता के हृदय में बसते हैं और निश्चित रूप से आशा नहीं विश्वास है कि जनता का इच्छा है कि गामी जी का सेवा जो हम गामी जी को चुने हैं गामी जी उस पर खरा उतर रहा है। हम आपके माध्यम से हम पूर्व में भी कहे थे जिस दिन जनता चुनाव लड़ना बाद की बात है, चुनाव से पहले आप सर्वे कर लेंगे और जनता कहेगा कि गामी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए हम चुनाव छोड़ देंगे। देखिए मकसद ये है कि सेवा भाव काम होनी चाहिए, हमें इस बात की संतुष्टि है हायाघाट का सेवा का जो अवसर मुझे मिला हम धन्यवाद के पात्र हैं। हायाघाट की जनता हम जैसे सम्मान व्यक्ति को बड़ा पद दे के उपकार किया है हम पर, आज वो हमें पद नहीं देते तब इस तरह से आपको बता नहीं पाते कि हायाघाट में सभी महत्वपूर्ण सड़क बन गया। ये हायाघाट के लिए ही उपलब्धि नहीं है, मेरे लिए भी उपलब्धि है। आपके दरभंगा में 10 विधानसभा है और हायाघाट का विधायक बोल रहा है कि मेरे यहाँ सारे महत्वपूर्ण सड़क बन गए बन रहे हैं, ये हायाघाट की जनता के लिए बड़ा उपलब्धि है। हर क्षेत्र में हम अच्छा कर रहे हैं और जनता का विश्वास के कारण हर क्षेत्र में हम अच्छा किए हैं। आपको बाहरी विधायक बताया जा रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक बताया स्थानीय प्रत्याशी बताया जा रहा है, वो भी खुद भी काम से ही दिल्ली में रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो ऐसे में क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए बाहर और भीतर वो समस्या तब थी जब हम पहला बार वहाँ चुनाव लड़ने गए थे,
और बहुत भीतर के लोग चुनाव लड़े थे। जनता हमें गोद ले लिया। गोद लेने के बाद कोई बाहरी नहीं होता है। हम तो 10 साल से हायाघाट के धरती पर पल पोसा रहे हैं। तो जो बच्चा 10 साल से जिस धरती का संतान हो, दूसरे को परिचय देना पड़ेगा ना, हम लोकल है कि नहीं है। हमको तो 10 साल का सर्टिफिकेट है कि हायाघाट का बेटा हम है। और लोग को 10 साल का कोई सर्टिफिकेट हो कि हायाघाट अपना बेटा माना हो, तो हमसे बड़ा लोकल कौन है जी? हायाघाट का बेटा अमरनाथ का भी है, जो लेकल बेटा धरती पुत्र है। जो हो माँ बाप का सेवा करे, माँ बाप के गोद में खेले, हम तो सेटिस्फाइड है ना जी। हमको वहाँ से प्रमाण पत्र मिला हुआ है ना कि हायाघाट का बेटा का, और किसी को मिला है? इस राजनीति के लिए क्या कहना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से हायाघाट का हम बेटा है और लोग बेटा बनना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या राजनीति होगा जी? हायाघाट का बेटा अमरनाथ गामी है और हायाघाट का सेवा का अवसर हमें 10 साल से मिला है, और 10 साल में हायाघाट में मेरा जो हायाघाट का जनता अभिभावक हमें राजनीति करने का जो ज्ञान दिया, उसी से मेरा स्वाभिमान बढ़ा है। देखते होंगे कि गामी जी झुकते कम है। कारण क्या है? हायाघाट का जनता का जो है मेरे पीछे शक्ति लगा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेटा कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, उन लोग को बताइए जिनको बेटा बनने में अभी समय लगेगा। विधायक जी, एक अंतिम सवाल है। खुद भी विधायक हैं वर्तमान में आप, और कहीं ना कहीं हायाघाट से बने रहना चाहते हैं। ऐसे में आप दूसरे प्रत्याशी को भी कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं कि काम करिए, क्षेत्र में घूमिए, तो ये कौन सी राजनीति हो गई? आपको जानकारी दे दें, हम 10 साल से MLA हैं वहाँ। हम हर दिन हर टर्म MLA रहेंगे, वो संभव है? इस टर्म 2015 के अंतिम दिन तक हम MLA हैं। आगे कौन MLA बनेगा, प्रभु इच्छा और जनता का इच्छा। तो जनता का इच्छा बाद में जब हम उम्मीदवारी देंगे, पार्टी का इच्छा तो कई कारण है। तो हम जितने राजनीतिक दल के हमारे मित्र हैं, हमारे गठबंधन के, उनमें एक बात बताते रहते हैं कि प्रतिस्पर्धा का भावना रखिए और अपने अंदर इतना ऊर्जा रखिए कि हम चुनाव लड़े, टिकट मिले हमको, पार्टी हमें टिकट दे, वहाँ तक आपका लड़ाई उचित है। और फिर आप सब लोग मिलकर पार्टी का काम कीजिए, जो करते आ रहे हैं। इसलिए हम सभी मित्र दल के साथी को उत्साहित करते रहते हैं कि हर चुनाव में आप अपना उपलब्धि के अनुसार अपने पार्टी से उम्मीदवारी का मांग कीजिए कि हमें उम्मीदवार बनाए। और जब उम्मीदवारी का मांग नहीं करेंगे तो आप पर विचार क्यों होगा? तो किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, अगर उन्हें लगता है कि उनका MLA का कद है, और MLA का कद बहुत बड़ा कद नहीं, हर आदमी को उस योग्यता के लिए अपने को मानना चाहिए कि हम MLA बन सकते हैं, तो अपने अपने पार्टी में जनता के बीच में इस तरह का प्रतिस्पर्धा जरूरी है। और जब मजबूत लोग साथ काम करेंगे तो उस क्षेत्र का प्रगति तेज हो जाता है। हम इसलिए कहते हैं कि सारे लोग विधायक बनने के लिए अगर क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उस क्षेत्र का विकास अव्वल विकास होता है। अगर हायाघाट क्षेत्र विकसित हुआ है तो केवल मेरा ही देन है जी। मेरा सहयोगी दल के जो निकट नेता है उन लोग का हाथ नहीं है, हमारा एक एक वर्कर, NDA वर्कर का हाथ है हायाघाट का विकसित करने में। हमारे एक एक बड़े नेता, छोटे नेता का हाथ है। सारे लोग मिल के अपना उपलब्धि के लिए कि समय आने पर हम भी उम्मीदवारी देंगे, सब ने सहयोग किया है और सबके वजह से हायाघाट विकसित हुआ है। इसलिए हम सबके आभारी हैं कि आपने मेरे कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाया है। और आगे जिनको मौका मिलता है वो हायाघाट की भावना के हिसाब से काम करेंगे, यही विश्वास है। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही आपने एक घोषणा किया था कि फूड मार्केट या क्या उसमें जो
प्लान था, उसका प्लान के बारे में। देखिए, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, आप चलाने में आपको कठिनाई होगी। अगली बात फुल फूड पार्क के विषय पर होगी, और या तो कट करके नया चर्चा कर लीजिएगा, नहीं तो एक साथ लंबा वीडियो से जनता को भी देखने में सुविधा होती है कि आधा घंटा एक घंटा का एक इंटरव्यू थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।